जम्मू कश्मीर में विधानसभा का तीसरा और आखिरी चरण निर्णायक होगा। सत्ता की चाबी इसी चरण के परिणामों से निकलेगी। सबसे अधिक 40 सीटों पर इसी चरण में मंगलवार को मतदान होगा। भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर के 21 में से 18 सीटें जीतकर पीडीपी के साथ मिलकर पहली बार सरकार बनाई थी और जम्मू जिले की 2 सीटों पर नेका को जीत मिली थी। वहीं जम्मू संभाग में 24 और उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा, कुपवाड़ा और बारामूला की 16 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा। अंतिम चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को मतदान वाले सभी 7 जिलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जो देर शाम तक गंतव्य तक पहुंच गई, जिसके चलते चुनाव में कोई खलल ना डाल सके इसलिए 86,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। कुल 39,00,000 मतदाता 415 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इनमें 39,00,000 से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा, कुपवाड़ा और बारामूला जिलों की करना, त्रेगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, लंगेत, सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वाघुरा, क्रीरी, पट्टन, सोनावारी, बांदीपोरा, गुरेज, एसटी में 16 विधानसभा सीटों पर 40,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू संभाग के कठुआ जिले में बनी बोसाहली, कठुआ, जसरोटा और हीरानगर सीटों पर 10,000 सुरक्षा कर्मी रहेंगे। जम्मू जिले की विश्ना, सुचेतगढ़, आरएसपुरा जम्मू दक्षिण, बाहू जम्मू पूर्व, नगरोटा जम्मू पश्चिम, जम्मू उत्तर, अखनूर, छम्ब सीटों पर 20,000 और उधमपुर की उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चिनैनी, रामनगर सीटों पर 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं सांबा जिले की विजयपुर, रामगढ़ और सांबा सीट पर 6,000 सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में मतदान होगा। आपको बता दें तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी 6 सीटें हैं। इनमें हीरानगर, रामगढ़, बिश्नाह, सुचेतगढ़, मठ, छम्ब सीट शामिल है और पिछले चुनाव में इन जगहों पर गोलीबारी होती थी, जिससे अब लोगों को राहत है। इससे इन सीटों पर अधिक मतदान की उम्मीद है। वही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की पूर्व शाम पर सोमवार को जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 20,000 से अधिक मतदान कर्मचारी तैनात किए गए, जो 2 प्रमुख चेहरे तारा चंद और मुजफ्फर बेग सहित 415 उम्मीदवारों की चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी ADGP आनंद जैन ने कहा कि टेरर फ्री और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव वाले इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को यानी आज मतदान होगा और अंतिम फेज में 40 विधानसभा सीटों पर 39,00,000 से ज्यादा मतदाता 5,060 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें जम्मू की 24 और कश्मीर घाटी की 16 विधानसभा सीटें शामिल हैं। और अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की पूर्व शाम सोमवार को जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 20,000 से अधिक मतदान कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन का कहना है कि मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव वाले इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों चुनाव कर्मचारी चुनाव सामग्री के साथ आज सुबह अपने अपने जिला मुख्यालयों से निकल गए और आज शाम तक अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर अपनी ड्यूटी को संभाल लिया है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।